उपनिषद का एक पद और उस पद पर थोड़ी सी चर्चा। सदगुरु कबीर कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत श्रुति, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियो की फूटी, पानी माही पशान को रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहत घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा, सेत ही सेत सितंग भव, सैन बाढ़ अधिकाई, जो संनिपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई, अनहद कहत कहत जग बिन से, अनहद सृष्टि समाने, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एके बानी, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ते सदा सुखी है, जो यह पद ही विचारे। सदगुरु कबीर की ये विशेषता है कि अपनी एक साखी में या अपने एक शब्द में या रमैनी में या पद में वो धर्म अध्यात्म व्यवहार परमार्थ सब की बात बहुत थोड़े में एक साथ कह देते हैं। इस पद की पहली पंक्ति में साहब हमारी असावधानी की चर्चा करते हैं और हमें सावधान करते हैं। दुनिया के सभी संतों गुरुजनों का ये कहना है कि मानव जीवन भजन करने के लिए मिला है, बाकी अन्य सारे काम तो पशु पक्षी कृमि कीट आदि भी कर लेते हैं, अपना पेट भरना, समय आने पर बच्चे पैदा कर लेना, बच्चों को पाल पोस लेना, ये तो जानवर भी करते हैं, सिखाना नहीं पड़ता उनको, और इतना है आदमी भी कर लिया, तो जानवरों में और आदमियों में अंतर क्या हुआ? पैसा कमाना, परिवार बनाना, परिवार का पालन पोषण करना, ये उद्देश्य नहीं है जीवन का, एक मजबूरी है व्यवहार चलाने के लिए। इतने में ही रुक गए, जैसे जानवर वैसे हम, अंतर क्या हुआ? शाह कहते हैं ये जीवन मिला है हरि भजन करने के, ना हरि भजस ना आदत छूटे, और साहब ही नहीं कहते, सभी संत कहते हैं, सब काम हम करते हैं भजन का काम नहीं करते, आत्मशोधन का काम नहीं करते, आत्मनिर्माण का, आत्मविकास का काम नहीं करते। निर्माण हम करते हैं, बहुत चीजों का निर्माण करते हैं, मकान का निर्माण करते हैं, खेत खलिहान का निर्माण करते हैं, फैक्ट्री दुकान का निर्माण करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण करते हैं, और पता नहीं क्या का निर्माण करते हैं, लेकिन जीवन का निर्माण नहीं कर पाते। बहुत कुछ का विकास करते हैं लेकिन आत्मविकास का काम नहीं कर पाते, इसलिए सब कुछ का विकास करना नहीं करने के समान हो जाता है, क्योंकि मन बिखर गया होता है। असली विकास है आत्मविकास,
असली निर्माण है आत्मनिर्माण। बाहर जितना निर्माण कर सकते हैं निर्माण करें, लेकिन बाहर का निर्माण करते करते अपने को न खो जाए, अपने को न बिगाड़ डाले। बाहर का विकास करते करते अपना पतन न कर डाले। अपने को बिगाड़ना और अपना पतन करना क्या है? मन का उलझ जाना, खीज, चिंता, शिकायत, उद्वेग, चिंता, तनाव, मानसिक पीड़ा, यदि इनमें मन डूबा हुआ है तो हमने अपना बिगाड़ कर डाला और अपना पतन कर डाला। और सब कुछ करते हुए हर परिस्थिति में मन प्रसन्न है, निश्चिंत निर्भय है, तो हमारा वास्तविक विकास हुआ है, हमने अपना निर्माण किया है। आदमी रो रहा है भीतर से, जिन्हें छोटे लोग कहते हैं, जिन्हें गरीब कहते हैं, वो लोग कम रोते हैं, जिन्हें बड़े लोग कहा जाते हैं धनवान, वो लोग ज्यादा रोते हैं। भौतिक विकास की आवश्यकता है, इसे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कितना भौतिक विकास कर ले आपको मानसिक शांति विकास नहीं दे सकता है। इसलिए आत्मनिर्माण करना, आत्म विकास करना यह जरूरी है, और उसी के लिए भजन करना है। साहब कहते हैं, ना हरि भजस न आदत छूटी। मनुष्य न हरि का भजन करता है और न इसकी जो गलत आदतें हैं छूटती है। भजन करते क्या है? गलत आदतों का त्याग। जो जीवन में दोष दुर्गुण है, गंदी आदतें हैं, बात बात में चिढ़ते रहने की, चिल्लाते रहने की, गुस्सा करते रहने की, शिकायत करते रहने की, लोभ करते रहने की, झगड़ा करते रहने की जो आदत है, इनका त्याग करना ही हरि का भजन करना है। आगे विकास की तो बातें छोड़ दो, आदमी यदि सहज दोष दुर्व्यसन का त्याग नहीं कर पा रहा है तो वो भजन को समझता कहां है? अच्छे अच्छे पुजारी हैं, कितने लोग खूब माला फेरते रहते हैं, नाम भी जपते रहते हैं, मंदिर में जाकर दो दो घंटे पूजा भी करेंगे, लेकिन तंबाकू भी खाते रहते हैं, गुटखा भी खाते रहते हैं, बीड़ी भी पीते रहते हैं, अब भजन किसको करना है? अच्छे से पुजारी से पूछो, जो कहते हैं महाराज मुझे तो भगवान से बहुत प्यार है, बिना भगवान का भजन किए, बिना भगवान की पूजा किए तो मैं भोजन भी नहीं करता हूं। अच्छी बात है, लेकिन उनसे ये पूछो, तुम भगवान का भजन किए बिना कितने दिन रह सकते हो और बिना तमाकू कितने दिन रहे? महाराज बिना तमाकू के तो नहीं चलने वाला है। तो भगवान के भगत हो कि तमाकू के भगत हो? किसको बड़ा मानते हो? भगवान को बड़ा मानते हो कि तमाकू को बड़ा मानते हो? यदि भगवान के बिना चल जाता है, तमाकू बिना चलता तो तमाकू बड़ा हो गया ना, कौन सी भक्ति हो रही है? तो ये सहज दुर्व्यसन का त्याग नहीं कर पाए तो हरि भजन कहां हुआ? भजन का जो भी आप नाम जपते हो, माला फेरते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, वो करो, लेकिन जो गलत आदत है, ये दुर्व्यसन का तो त्याग करना ही है। झूठ बोलने की आदत, चुगली करने की आदत, निंदा करने की आदत, ईर्ष्या करने की आदत, छल कपट करने की आदत, चलाकी करने की आदत, छिपा करके कुछ चीज रखने की आदत, इनका त्याग करना, हरि का भजन करना है, इनसे ही आत्म विकास होगा।
और इस बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं, भागते चले जाते हैं। शब्दे समझ सुधारत नाही, आंधर भये हो की फूटी। सदगुरु कबीर कहते हैं लोग तो ऐसे हो गए हैं कि शब्दों को समझना नहीं चाहते और समझ करके सुधार करना नहीं चाहते। आदमी के जीवन व्यवहार को, आदमी के कर्मों को देख करके ऐसा लगता है कि आदमी के बाहर के नेत्र जो आंखें हैं वो तो फूटे हुए ही हैं, भीतर के जो विवेक विचार के नेत्र हैं वो भी फूट गए हैं। और जिसके बाहर भीतर के चारों नेत्र फूट गए उसके लिए क्या कहना, ऊपर की दो गई ही यहो की गई हेराए, कहीं कबीर जाके चारी गई ताको का उपाय। हमारी आंखें हैं, हम अपनी आंखों से दुनिया को देखते हैं और देख करके सीख ले सकते हैं। उन्होंने ऐसा गलत काम किया, उसका ऐसा फल उन्हें मिला, ऐसी सजा उन्हें मिली, ऐसा दंड उन्हें मिला, मुझे वो गलत काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक ऐसा अच्छा काम किया और इस अच्छे काम से वो खुद प्रसन्न है, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होती है उसकी, सब लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, दूसरों को भी अच्छी प्रेरणा मिलती है, मुझे ऐसा अच्छा काम करना चाहिए। देख करके ये सीख लेते हैं तो समझना चाहिए हमारी आंखें खुली हुई है, और देखकर सीख नहीं ले पाते तो आंखें होते हुए मानो हमारी आंखें नहीं के बराबर है, कहां सीख ले? हमें देखते हैं कि एक दिन वो आता है कि जब लोग अपना माना हुआ सब कुछ छोड़ छोड़ करके यहां से चले जाते हैं, कुछ लेकर के नहीं जाते। बड़े बड़े कहलाने वाले लोग आए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़े, मार काट, हिंसा हत्या, पता नहीं क्या क्या किए, और अंत में यहां का यहीं पर सब कुछ छोड़कर चले गए। हम देखते नहीं हैं, लेकिन इतना होते हुए भी थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए, थोड़े रुपये पैसे के लिए, थोड़े से कपड़े गहने के लिए कितना हम राग वेद लड़ाई झगड़ा मार पीट हिंसा हत्या कर रहे हैं, कहां की खुली हुई है? और जिस दिन आग बंद होती है सब से सदा के लिए रिश्ता टूट जाता है, जो गए यहां से वो लौट करके नहीं आए कभी, उनका कुछ रह नहीं गया, ये हम देखते हैं फिर भी देख करके देख नहीं पाते। जाग कहां पाते, लोभ छोड़ पाते, मोह छोड़ पाते, लड़ाई झगड़ा छोड़ पाते, चीजों के लिए झूठ बोलना छोड़ पाते तो हम कह सकते थे कि हमारी आंखें खुली हुई है, कहां की खुली हुई है? मैं इस पर कहा करता हूं, कहा नहीं करता, ये हकीकत है। सब जानते हैं कि जुआ के खेल में धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य हार गए, भाई हार गए, स्वयं को हार गए, पत्नी को हार गए, 12 साल जंगल जंगल भटकते रहे, एक साथ अज्ञातवास किए और इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। उसी जुआ के खेल में राजा नल अपना रात पाट हाकर हार कर जंगल में भटकते रह गए। पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज जुआ खेलना बंद हुआ? अंधे हैं कि नहीं? कहां दिख रहे हैं? पढ़ते हैं हम कि पराई नारी के फेर में पढ़कर रावण मारा गया, कीचक मारा गया, कौन कौन मारा गया, लेकिन आज कितने लोग हैं पराई नारी के फेर में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? अंधे हैं कि नहीं? ऐसे और उदाहरण ले लो, शराब पी पी करके सबका शरीर बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, परिवार बर्बाद हुआ, स्कूल बर्बाद हुआ, किसी को कुछ बना नहीं, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं, कहां देख रहे हैं? कहां
कहां खुली है आंखें, ऐसे और भी ले लें। मैंने कहा था शुरू में, लोभ करके, मोह करके, गुस्सा करके, झगड़ा करके किसी का कोई लाभ नहीं हुआ है, फिर भी हम लोभ भी कर रहे हैं, मोह भी कर रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कहां आंखें खुली हुई है। और विवेक विचार पूर्वक हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, जब विवेक पूर्वक सोचना चाहिए, विचार पूर्वक करना चाहिए, काम कर ही नहीं पा रहे हैं। संत महात्मा समझाते हैं, बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, हम समझना मान नहीं पाते और सुधार अपना सुधार कर नहीं पाते। कहां खुली है आंखें? इसलिए साहब कहते हैं कि शब्द ही समुझ सुधारत नाही, लोग शब्दों को समझते भी नहीं है। महाराज जी तो बात अच्छी कहते हैं, बात अच्छी कहते हैं, समझते हैं भी और समझ कर सुधारते हैं क्या? कुछ लोग कहते हैं सत्संग में गया था, बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया सत्संग में। अच्छा, मजा तो आया, ठीक है, उनसे पूछो कि सत्संग में महात्माओं ने क्या बताया। अरे बढ़िया बढ़िया बात बताए। अरे बढ़िया बढ़िया कौन सा बढ़िया बढ़िया बात बताया? अरे बढ़िया बढ़िया बात, अब क्या बढ़िया बात पता नहीं है, बैठे तो हैं बेचारे, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, खाली बस सुन रहे हैं। वो जो कहते हैं ना, समझते नहीं, बस हर बात में हां महाराज हां महाराज बस, वैसे तो उसमें जो कहते नहीं है सत्य वचन महाराज वाली कथा सुने हो, याद दिला देता हूं। एक पंडित जी थे, कहो या महात्मा जी थे, कथा कहते थे। एक सज्जन आते थे, सामने बैठते थे और एकदम मगन होकर सिर हिलाते थे, सिर हिलाते थे, कहते सत्य वचन महाराज हर बात में, कहते सत्य वचन महाराज, और खूब झुम झुम कर सके के कथा सुनते थे और हर बात में कहते थे सत्य वचन महाराज। कई दिन बीत गए तो महात्मा ने सोचा कि हर बात में कहते सत्य वचन महाराज ऐसा कहते हैं, खाली ये समझता भी है कि सत्य वचन महाराज कहता फिर है। महात्मा ने कहना शुरू किया, एक पेड़ था कह सत्य वचन महाराज, उस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा था कह सत्य वचन महाराज, उस मधुमक्खी छत्ता में हजारों मक्खियां, हजारों मधुमक्खियां थी कह सत्य वचन महाराज, वो हजारों मक्खियां उड़ करके बड़ौदा चली गई सत्य वचन महाराज, वहां एक सेठ का गोदाम था गुड़ का सत्य वचन महाराज, उस गोदाम में 10-10 किलो के गुड़ का भेला रखा हुआ था सत्य वचन महाराज, एक एक मक्खी उस एक एक भेला में बैठ गई सत्य वचन, एक एक मक्खी एक एक भेला उड़ कर लेकर उड़ गई के सत्य वचन महाराज, बात समझ गया सत्य वचन महाराज, समझने के नामे नहीं है। तो हम बस पढ़ते हैं, सुनते, समझते हैं, कुछ नहीं, नहीं समझते, सुधार नहीं करते। अरे कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। पहले जो चिढ़ाने की आदत थी, लोभ करने की आदत थी, गुस्सा करने की आदत थी, चिंता करने की आदत थी, झूठ बोलने की आदत थी, खींचने की आदत थी, शिकायत करने की आदत थी, अधिक ज्यादा छिप करके खाने पीने की आदत थी, इनमें कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ? यदि सुधार हुआ तब हमारा सत्संग करना, भजन करना सब सफल हो गया। और सुधार नहीं कर रहे हैं, वैसे के वैसे, उसी प्रसाद आगे कहते हैं, पानी माही पशान को रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहत घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। पानी माही पशान को रेखा, पानी के अंदर पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कितने दिनों से, सैकड़ों सालों से, लेकिन पानी के अंदर सैकड़ों साल से पड़े हुए पत्थर के टुकड़े को आप निकाल करके ठोंकिए तो उसमें से आग की चिंगारी निकलती है, वो शीतल नहीं हुआ है, है पानी के अंदर, पानी के अंदर पड़े पड़े क्या पत्थर ठंडा हो जाएगा? साहब कहते हैं दूसरा उदाहरण, अपने दरवाजे पर एक पत्थर का टुकड़ा रखो और रोज सुबह उठ करके
लगातार हजारों घड़ा पानी उस पत्थर पर डालते रहो, और हजारों घड़ा पानी डालने के पश्चात उस पत्थर को थोड़ा अंगुली से दबा कर देखो पत्थर मुलायम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या पता बच्चा मुलायम हो गया होगा पत्थर, जो कतो कठोर। साहब कहते हैं ठीक ऐसे ही वर्षों बीत गए सत्संग करते भजन करते साधना करते, लेकिन गुस्सा ज्यों का त्यों है, लोभ ज्यों का त्यों है, ईर्ष्या ज्यों की त्यों हो, तो चिंगारी भी बुझी ही कहां है, आग बुझी मत जान दबी है राख में। साहब ने इसलिए कहा है, कहा भय है बात ने, साहब ने कहा है कि तुम्हारे भीतर तो आग है, माला तेरे हाथ कतरनी काख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में, तुम्हारे हाथ में तो माला है और बगल में कपट के कातर है, कतरनी कैची चल रही है, ये कपट कातर जब दूर हो जाए तो समझना कि माला फेरना दूर हो, माला फेरना तो ठीक हुआ है, नहीं तो राम राम जपना पराया माला अपना, ये हो रहा है भजन में। तो साहब कहते हैं कि जैसे पत्थर हजारों साल से सैकड़ों साल से पानी के अंदर है, उठो ठोको तो चिंगार निकलती है, ऐसे ही हमारा मन है, हजारों घड़ा पानी डाल रहे हैं पत्थर पर मुलायम नहीं हुआ, क्या मन मुलायम हुआ, हमारा अंतकरण मुलायम हुआ, दया की भावना क्षमा की भावना प्रेम की भावना सहनशीलता की भावना उदारता की भावना ये बढ़ी, क्रूरता कठोरता घटी, मन तो वैसे कठोर का कठोर है, क्रूर का क्रूर, कुछ कोई बदला नहीं, कोई बदला नहीं, कुछ बदलाव नहीं है। वो जो महात्मा लोग कथा कहते हैं कि एक सेठ गांव में ही संत आश्रम था, वहां रोज सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे, तो एक दिन आश्रम में सत्संग सुनने गए थे, उनका पोता बेटा का बेटा दुकान में बैठा था, एक सज्जन आए पूछे नाम लेकर सेठ को कि सेठ कहाँ गए हैं, कि वो तो वो दादा तो सत्संग सुनने गए हैं आश्रम में, कि जा बुला के ले आ मुझे बहुत जरूरी काम है। वो लड़का गया आश्रम में और कहा दादा हम तुम्हें बुला रहे हैं जरूरी काम है, तो बच्चा थोड़ा सा वहां बैठ गया, तो बच्चा बैठ गया, वो दादा उठ गया, उसने कहा अरे चलो चलो तुम है तुम यहां चलो तुम यहां क्यों बैठ गए। तो महात्मा ने कहा अरे सेठ तुम रोज आते हो सत्संग सुनने के लिए, बच्चा थोड़ा आ गया पहली बार, तुम्हें बुला तुम्हारा काम है तुम चले जाओ, बच्चा थोड़ा सुनने दो क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा देखो महाराज बात ऐसे है, ये तो अभी बच्चा है मुलायम हृदय है, पता नहीं सत्संग की कौन सी बात सुन ले अब इसका मन बदल जाए, हम तो महाराज काला कंबल है चाहे कोई रंग चढ़ने वाला है नहीं, हमारा मन तो पत्थर हो गया पलस्तर हो गया है, ऐसे लोग होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब क्या होता है, किसके लिए, टाइम पास करने के लिए, बहुत लोग टाइम पास करने आ गए, भाई भैया टाइम पास नहीं करना करना नहीं, चलो महात्मा लोग सुन रहे हैं कुछ तो मजा आएगा, अरे कुछ प्रसाद मिलेगा, टाइम पास नहीं आते हैं। और बहुत लोग सत्संग में सोने के लिए भी आते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें और कहीं नींद नहीं आएगी यहां, लेकिन यहां जरूर नींद आती है सत्संग में, क्योंकि यहां कुछ करना तो है नहीं, मत तो बैठे हुए हैं, तो कहां बदलेगा जीवन, जहां बदला जा सकता है वहीं जाकर हम सो जाते, जहां जागने की भूमिका है हम वहीं सो जाते हैं, अपने को बदल देते हैं। कुछ लोग क्यों आते हैं मंदिर में,
या कुछ लोग जो बड़े बड़े आश्रम होते हैं वहां क्यों आते हैं? एक सज्जन थे, एक बड़ा मठ था, वहां सत्संग हुआ करता था तो वहां जाया करते थे और मंदिर में भी जाकर पूजा भी करते थे। कई साल बीत गए ऐसे ऐसे करते, तो लोगों ने पूछा कि आप कई साल से मंदिर में पूजा कर रहे हैं और सत्संग आश्रम में जाकर के सत्संग भी सुनते हैं, यहां क्यों आते हैं? कहा देखो भाई, मैं तो व्यापारी हूं, यहां लोग आता हूं तो सत्संग आश्रम आता हूं, बंद पर्चा हो जाता है तो अपने दुकान में पता देता होता हूं ताकि वो लोग मेरे दुकान में आए, इसलिए मैं इसलिए आता हूं पर्चा बढ़ाने के लिए। तो वहां पर्चे बढ़ाने जाते हैं लोग, तो लोग क्या बदलेंगे? साहब कहते हैं उनका हृदय पत्थर हो चुका है, अंतर नहीं होने वाला है। तो दूसरे का है या क्या नहीं, हमें अपना देखना है। हम इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, अब बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है? हमारा मन कितना बदला है? जितना पहले मन दुखी था क्या उतना अब भी दुखी है? पहले जितना चिंता करते थे क्या अभी चिंता उतनी ही करते हैं? पहले जितना गुस्सा करते थे, झगड़ा करते हैं क्या अब भी उतना ही करते हैं? मन के अन्य जो मलिनताएं हैं, मन के जो विकार हैं, पहले जितने थे क्या अब भी उतने हैं? और यदि उतने कुतने हैं तो हमारा सोचना चाहिए हम पत्थर हो गए हैं, आदमी होते हुए हम पत्थर हैं। बात कड़वी लगती है, कठोर लगती है, क्योंकि पत्थर को मुलायम नहीं किया जा सकता। ऐसे कुछ लोग होते हैं, कम से कम हमारा नंबर तो उसमें ना हो। साहब कहते हैं पानी माए पदान को रेखा ठोकत उठे भभू का, सहत घड़ा निज उजल डारे फिर सूखेगा सूखा। हजारों घड़ा पानी डालने के बाद भी सूखा का सूखा रह गया, दिल कोमल नहीं हुआ, तो मतलब क्या है? दिल कोमल होने की बात आई तो याद आ गया, सामने देखो ये गमले पर फूल लगे हुए हैं, भले कृत्रिम है। हम संतों के पास जाते हैं या लोग मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, तो लोग जब संत से या गुरु से भेंट करने जाते हैं तो भेंट करने के लिए फूल ले जाते हैं। जब पूजा होती है तो फूल तो जरूर वहां पर होता ही होता है। भारतीय परंपरा में बिना फूल के पूजा प्राय नहीं हो पाती, कुछ न कुछ फूल लोग चढ़ाते ही हैं। मंदिर जाते हैं तो वहां भी फूल चढ़ाते हैं, मंदिर में सजावट भी फूलों से ही करते हैं। क्यों ऐसा होता है? गुरु के पास गए, संत के पास गए, मंदिर में गए, क्यों फूल ही लेकर के जा रहे हैं? बहुत पुराने समय से चलते से हम फूल लेकर जा रहे हैं, देखा देखी क्यों, कारण क्या है? एक संदेश है इसके पीछे, लेकिन हम संदेश समझ नहीं पाते, बस देखा देखी करते चले रहे हैं। अमुक आदमी ने फूल लिया तो हम भी फूल ले लिए, खरीद लिए या कहीं से मांग लिए। क्यों ऐसा होता है? संदेश है। संदेश क्या है? फूल जो होते हैं, फूल खिले हुए होते हैं प्राय, फूल कोमल होते हैं, फूल कठोर नहीं होते, फूल कोमल होते हैं, फूलों में गांठ नहीं होती, किसी फूल में गांठ नहीं होती, और फूलों में सुगंध होती है। फूल खिले हुए होते हैं, कोमल होते हैं, गांठ रहित होते हैं और सुगंधित होते हैं। इसका अर्थ है जब हम फूल चढ़ाएं गुरु के सामने, ने फूल चढ़ाकर बंदगी किए, प्रणाम किए, मंदिर में गए, वहां मानते हैं देवता है, भगवान है, वहां फूल चढ़ा करके प्रणाम के बंदगी किए, तो उसके पीछे अर्थ है कभी भी आप जाएं तो एक मने मन वंदना करें, पूजा करें कि हे गुरुदेव या हे भगवान, मैं जैसे आपके चरणों में ये फूल अर्पित कर रहा हूं, ये फूल भेंट कर रहा हूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें
कि मेरा जीवन इस फूल के समान खिला हुआ हो, कोमल हो, गांठ रहित हो और सुगंधित हो, बस जीवन बदल जाएगा। एक फूल से हम प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन हमारा मन तो कठोर है ना, फूल के समान कोमल नहीं है, पत्थर समान कठोर हो गया है। और यहां यहां अंदर से सुगंध नहीं आ रही है, दुर्गंध आ रही है, गलत कर्मों की, गलत आचरण की, गलत व्यवहार की दुर्गंध आ रही है। खिला हुआ मन, कोमल, सारा अहंकार छोड़ दें, कोई गांठ नहीं, ना राग की गांठ, ना द्वेष की गांठ, ना ईर्ष्या की गांठ, ना निंदा चुगली की गांठ, ना बैर विरोध की गांठ। गांठ जितनी होगी उतनी चुभेगी और पीड़ा मिलेगी। बिस्तर पर आप लेटो, बिस्तर में जगह गांठ पड़ी हुई हो, नींद आएगी बराबर, गड़ेगी गांठ। तो बिस्तर में गांठ है समझ में बात आती है, रस्सी में गांठ है बात समझ में आती है, धागे में गांठ बात समझ में आती है, लकड़ी में गांठ है गांठ समझ में आती है, और मन में गांठ है वो समझ में नहीं आती। बल्कि हम गांठ पर गांठ बना लेते हैं, थोड़े थोड़े में गांठ बना लेते हैं, किसी ने कुछ कहते गांठ बना लिए, किसी कुछ नुकसान करते गांठ बना लिए, कितनी कितनी गांठ। इन गांठों को खोलना यही धर्म का, भजन का, सेवा का फल है। अहंकार की गांठ है, इसको खोलना, मन को सरल कोमल बना लेना, यह भजन का फल है। और यह कहा गया है, गांठ रहित मन जीती जी बैकुंठ वास है। बैकुंठ के एक व्याख्या लोग संत महागुरुजन करते हैं, बैकुंठ का मूल शब्द बहुत माना गया है विकुंठ, और वी कहते हैं नहीं को, कुंठ कहते हैं कुंठा, कुंठा रहित मन, कंप्लेक्स फ्री माइंड जीते जी बैकुंठ वास है। मन में कोई कंप्लेक्स ही नहीं, कोई गांठ ही नहीं है, जहां आप बैठे हो वहां बैकुंठ है। चाहे फूस की झोपड़ी में बैठे हो, चाहे राजमहल में बैठे हो, चाहे आप बाथरूम में बैठे हो, अपने बिस्तर पर बैठे हो, रास्ता चल रहे हो, कोई गांठ नहीं मन में, एकदम सारे कॉम्प्लेक्सेस खत्म हो चुके हैं, हर जगह बैकुंठ वास है। और मन में गांठ है तब कहीं भी चले जाए, नरक के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हम फूल तो चढ़ाते हैं, लेकिन फूल जैसा गांठ रहित होता है वैसे मन को गांठ रहित नहीं बना पाते। फूल में जो सुगंध है ऐसे ही सुगंध अपने जीवन से निकालते। सुगंध कैसे निकलेगी? उत्तम आचरण से, उत्तम व्यवहार से, उत्तम चरित्र से, सद्गुणों के आचरण से। आज राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, बुद्ध नहीं है, महावीर नहीं है, कबीर नहीं है, अन्य और बड़े बड़े संत नहीं है, लेकिन उनके जीवन की सुगंध आज भी फैली हुई है, आज भी अनेक लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ऐसे खिला हुआ मन हो, और बात बात में तो मन एकदम बंद हो जाता, थोड़े से किसी ने कुछ कह दिया बोलना बंद, मुंह बंद कर लिया, एकदम मुंह फुला लेते हैं। अब मुंह बंद होता है ना तो मुंह अपने आप फूल भी जाता है। न तो मुंह फुलाना है और न ही गाल फुलाना है, किंतु हृदय को फुलाना है, वो काम करना है। जैसे फूल गए, जब फूल बंधा हुआ होता है तो उतना अच्छा लगता है, जब खिला हुआ होता है तब कितना अच्छा लगता है। ऐसे मन बंधा हुआ है तब फिर सुख नहीं मिलेगा, मन की गांठ खुल जाए तब सुख मिलेगा। तो बात आई कोमलता की, पत्थर समान कठोर नहीं, फूल के समान कोमल, खिला हुआ, गांठ रहित और सुगंधित जीवन, ये गुरु को, संत को, मंदिर में भगवान बैठे मूर्ति को फूल चढ़ाने का अर्थ होता है। और ये हमारे करने से होगा। फूल की सुगंध प्राकृतिक होती है,
फूल में प्राकृतिक रूप से खिलते हैं, फूल प्राकृतिक रूप से गांठ रहित होते हैं, लेकिन हमें तो मेहनत करनी होगी और ये मेहनत करना ही भजन है। खाली मंदिर में गए थोड़ा पूजा कर लिए, आरती कर लिए, वो भजन नहीं हुआ, वो तो एक मन बनाने का साधन है। हम उतने में भूल गए और कुछ नहीं है, शॉर्टकट रास्ता निकाल लिए, लेकिन इसे शॉर्टकट रास्ता काम नहीं आना है, बदलना पड़ेगा अपने आप को। कठोरता रही, दूसरे की कठोरता हमें पसंद नहीं है, दूसरे के दोष दुर्गुण हमें पसंद नहीं है और अपना बहुत पसंद है, ये तो गड़बड़ी है। साहब कहते हैं इसी को दूर करना भजन है। शेत ही से शीतंग भाव से न बाढ़ अधिकाई, जो तो निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। धीरे धीरे होते होते क्या होगा, धीरे धीरे करते करते सिर के सारे बाल सफेद होते चले जाएंगे। सेते से चितम भाव, धीरे धीरे शरीर भी ठंडा होता जाएगा, सारे अंग कम कोमल दो अंग है, सुंदर अंग है, वो कमजोर होते चले जाएंगे। नेत्रों की ज्योति घटेगी, कान से सुनाई देना बंद होगा, दांत टूटने लग जाएंगे, गाल पिचक जाएंगे, आंखों में चेहरों में झुर्रियां आ जाएगी, बाल पक जाएंगे, सब कुछ तो होना है। इसी को तो कहा गया है कि मौत की चिट्ठी है। एक सज्जन मिले, महाराज जीवन बहुत कठिन हो गया है, पता नहीं कब आएगा। देखो महाराज का, महाराज बहुत नोटिस मिल गई है, महाराज देखो बाल पक गए, आंख भी चश्मा लग गया, कान सुनाई दिया पड़ता है, दांत भी टूटे, बहुत नोटिस मिल गया महाराज, वारंट है, क्योंकि वारंट अभी कोरोना में रुका हुआ है, आ जाएगा। कभी 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 ये कोरोना काल में डाक खाना सब बंद हो गया है ना, तभी आ जाएगा, हमें आना ही आना है, तो सब तो होने वाला है, लेकिन हम देखते नहीं, अपने दूसरों को देखते हैं। कितना भी स्वस्थ शरीर जवान हो, एक दिन सब उसको भी ढीला होना ही होना है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि करोड़ मन वा दिन की तदबीर, जब यम राजा आन पनेंगे नेक धरत नहीं थी। उस दिन की तदबीर करो जब दुनिया से जाने का अवसर आएगा, आएगा जरूर, और जब आएगा तब लगेगा अरे इतनी जल्दी आ गया। कभी भी आ लगे इतना जल्दी आ, इतनी 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 जल्दी कैसे मौत आ गई। कहा जाता है, कहानी है, खुदा ने हजरत मूसा से कहा, मूसा बहुत बड़े पैगंबर हुए हैं, तो खुदा ने मूसा से कहा, ए मूसा जा तू जन्नत में, 10,000 साल रह करके आना। मूसा पैगंबर जन्नत में गए, 10,000 साल रहे, वापस खुदा के पास आए, तो खुदा ने पूछा, मूसा बता तो जन्नत में 10,000 साल रहे तुम्हें कैसा लगा? के हुजूर ऐसा लगा जैसे एक दरवाजे से प्रवेश किया, दूसरे दरवाजे से निकल गया, पर ऐसा लगा। तो जब भी मौत आएगी ना तो ऐसा लगेगा इतनी जल्दी कैसे आएगी, वो आना ही आना पक्का है। साहब कहते हैं उस दिन की तदबीर करो, उस दिन की तुम्हारे लिए तुम्हारी कौन कमाई है, यहां की कमाई कोई काम नहीं आएगी, सब कुछ ही छूट जाएगा। कितना भी कमा लो, कितना भी कमा ले, जो कमाना है कमाए, उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन अंतिम दिन की कमाई क्या होगी, उस दिन के लिए कौन कमाई है। कहते हैं एक सेठ बहुत कंजूसी कर करके कह कर छड़ पटकर झूठ बोलकर बेईमानी करके खूब पैसा कमाया, पड़े जमाना, और पैसा मार करके नीचे घर के नीचे तरखाना बनाकर तिजोरी में खूब पैसा भर रखा था। सेठ बूढ़ा हो रहा था, लगा कि बहुत दिन तक जी
जीवित रहना कठिन है। तो एक दिन शाम के समय सेठ नीचे तहखाना में गए और कई तिजोरियां थी, खूब भरे थे, तिजोरियां भरी हुई थी। तिजोरियों को खोला, कहानी है समझाने के लिए, और तिजोरी में जो सोना चांदी की मोहरे थी, गहने, सबको खोल दिया। पूछा, देखो भाई, तुम्हें कमाने के लिए मैंने नीति अनीति जायज नजायज सब काम किया और तभी तुम्हें मैं बटोर पाया। अब मुझे यहां से जाने का समय आ रहा है, तुम लोग मेरे साथ चलोगे ना? तो तिजोरी में जो सोने मोहरे भरे, उसने कहा, नहीं, तुम्हारे साथ हम एक कदम नहीं चल सकते, हम जहां जहां जाए एक कदम भी नहीं चलेंगे हम तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलते हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं चलेंगे हम, जहां तहां रहेंगे, एक कदम चल पाएंगे। सेठ बहुत उदास हो गया, लौटने लगा। तो तिजोरी में जो रुपये पैसे भरे, कहा, सेठ जी सुनिए सुनिए। तो सेठ को लगा कि इन लोगों का मन बदल गया होगा, तैयार हो गए चलने के लिए, कि ये क्या बात है। तो पैसा भरा था, उन्होंने कहा, सेठ जी, हम तुम्हारे हाथ एक कदम चलेंगे नहीं, लेकिन याद रखना, तुम मरोगे ना तो लकड़ी हम ही लोग खरीदेंगे तुमको फूंकने के लिए। जो पैसा आप कमाए हैं ना, उसी से आपके लिए लकड़ी खरीदी जाएगी फूंकने के लिए, और कहां से खरीदेंगे। सेठ तो और गड़बड़ हो, मामला हो गया, उदास दुखी निकले बाहर। परिवार भी पीछे आए, कहा, मेरा जाने समय आ रहा है, मेरे साथ तो चलोगे ना? परिवार वालों ने कहा, चलेंगे तो जरूर, लेकिन शमशान तक ही जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो सेठ ने कहा, शमशान तक? हाँ, शमशान तक। तो सेठ ने कहा, जब शमशान तक जाओगे तो फायदा क्या हुआ? परिवार ने कहा, अरे, हमारे जाने का मन थोड़े का होता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, इसलिए जाएंगे हम। अब हम नहीं जाएंगे तो तुम्हें फूकेगा कौन? हाँ, हमें लोग पड़ेगा भाई, तो वही होना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा ना कमाओ, परिवार वालों से प्रेम ना करो, सब करो, लेकिन अंतिम में कौन साथ जाएगा, उसके लिए सोचते हैं कभी, वो भजन साथ जाएगा। सतगुरु कबीर कहते हैं, करो रमन वादिन की तदबीर, वादिन की तदबीर को, उस दिन के लिए उपाय करो। और जब यमराज आ जाएगा तो बिल्कुल भी धैर्य न करो, आप कहेंगे मुझे एक मिनट समय दे दो, कि नहीं, नहीं, कोई टाइम नहीं, समय नहीं पाए। तो सेते से सितंग भव से नबाड़ होती, कहता पर धीरे धीरे करते करते सारे अंग शिथिल हो गए, अब निद्रा पड़ गई, अब काम ये हो गए, अब तो बुढ़ापा में भजन भी नहीं बन रहा है। लेकिन उसके विपरीत करते गए, जो साधक होते हैं, जो संत होते हैं, जो चतुर विवेकी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जे सन्निपात रोगियन मारे सो साधन सिद्धि पाए। जिस सन्निपात से दुनिया के लोग मारे जा रहे हैं, उसी से दुनिया के लोग, उसी से संत महात्मा साधक लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। कफ पित्त वात, ये तीन नाड़ियां हमारे शरीर में मानी गई है, सबके शरीर में है। ये तीनों नाड़ियां जब व्यवस्थित रहती है, संतुलित रहती है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इनमें से कहीं थोड़ा बहुत कम जाता हुआ, शरीर हमारा अस्वस्थ हो जाता है। ये शरीर के लिए है। मानसिक रूप में क्या है? मानसिक रूप में ये कपित बात क्या है? तीन नाड़ियां। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में कहा है, काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित नित छाती जारा। काम वासना बात है, लोभ पित्त है, और क्रोध, काम बात कफ लोभ है और क्रोध पित्त है। काम क्रोध लोभ, इन तीनों को नरक का द्वार कहा गया है। कामना, काम का मतलब खाली काम वासना नहीं, कामना, काम का अर्थ है चाहना, इच्छा, तृष्णा, और लोग सब जानते ही हैं, क्रोध सब जानते ही हैं। तो होता क्या है, जो साधक होते हैं इनसे सिद्धि प्राप्त करते हैं। हर मनुष्य के मन में काम क्रोध लोभ है, कोई बचा नहीं है, सबके मन में है, चाहे रागी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे साधु, चाहे गृहस्थ हो। लेकिन सतगुरु कबीर कहते हैं कि इस काम क्रोध लोभ में पूरी दुनिया मारी जा रही है, सन्निपात ग्रसित हैं लोग, लेकिन साधु लोग इससे सिद्धि प्राप्त करते हैं। कैसे?
काम में क्या होते हैं, काम में चिपकाहट है, कफ में लोभ में पकड़ने की बुद्धि है, अधिक अधिक मुझे मिले ये भावना है, और क्रोध में सामने वाले को मार डालने की, नाश कर देने की भावना है। काम में चिपकाहट, पुरुष के स्त्री के प्रति, स्त्री के पुरुष के प्रति चिपकाहट, वो काम है। तो इसको क्या करते, क्या है जो संत होते हैं, साधक होते हैं, काम बदल देते हैं भक्ति में। भक्ति में भी चिपकाहट है, चाहे वो अलग भगवान मानकर करो, चाहे गुरु के प्रति भक्ति करो। तो जो साधक होते हैं, कल्याणार्थी होते हैं, इस काम वासना को भक्ति में बदल देते हैं, लोभ को बदल देते हैं ज्ञान में, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करो, अधिक से अधिक जीवन मेरा सद्गुणी सदाचारी हो। तो लोभ को बदलते हैं सद्गुण सदाचार में, ज्ञान में, और क्रोध को बदल देते हैं, क्रोध में अर्थ क्या मैंने कहा था, क्रोध में हिंसा की भावना है, मारने की भावना है, दबान नष्ट करने की भावना है, इस क्रोध को बदलते हैं वैराग्य में। वैराग्य में अपने वासना को मिटा दिए, दुर्गुणों को मिटा दिए। तो काम को बदले भक्ति में, लोक को बदले ज्ञान में, और क्रोध को बदले वैराग्य में, भावना ही है बस तीनों। और जब जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग की प्रधानता होगी तो बस कल्याण हो गया, मुक्ति पा गया, सिद्धि प्राप्त करी, यही करना है, मार्गांतरीकरण करना है, मन की जो भावनाएं कुवासनाएं हैं उनको मार्गांतरीकरण करना है। जो हमारी शक्ति नीचे की ओर बही जा रही है, दुनिया की ओर बही जा रही है, उसको उल्टा करके आत्मा की ओर ले आना है। जिस शक्ति से हम अपने बंधन बना लेते हैं, उसी शक्ति से हम अपने बंधनों को काट भी सकते हैं। जिस शक्ति से आप गाली देते हो, उसी शक्ति से आप प्रेम से बात कर सकते हो। जिस शक्ति से आप लड़ाई करते हो, उसी शक्ति से आप क्षमा भी कर सकते हो। जिस शक्ति से आप दूसरे को दुख देते हो, उसी शक्ति से आप दूसरे को सुख देने का काम, सेवा करने का काम कर सकते हो। मार्गांतरी करना करना बस करना है, शक्ति वही ही है। जब वो शक्ति राग रंग विषय विकार दुनियादारी को ओर लगती है तो हम बंधने पड़ते हैं, दुखों से घिर जाते हैं। उसी शक्ति को जब प्रेम दया क्षमा करुणा साधना बड़ा को लेते हैं, उसी शक्ति से हमारा दुख घट जाता है, हमें सुख मिलता है, बंधन कट जाते हैं, मोक्ष हो जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है। करना कोई कुछ नहीं है, बस मार्ग को बदल देना। हम उल्टा मार्ग में जा रहे हैं, पलट गए, सीधा मार्ग में आ गए, काम बन गया। अंतिम में साहब कहते हैं, दो पंक्ति बीच छोड़ रहता हूं, सदगुरु मिले बहुत सुख ले, सदगुरु सब सुधारे। जीवन में जब सदगुरु मिल जाते हैं, सच्चे गुरु, तब बहुत सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि सदगुरु शब्दों को सुधारते हैं। सदगुरु का काम है सही रास्ता बताना, सही बोध देना, हमारी भूल का हमें परिचय कराना, कहां कहां हम गलती कर रहे हैं, खाने में, पीने में, बोलने में, बरतने में, करने धरने में, उन गलतियों को गुरु परखा देते हैं। अगर गुरु परखा देते हैं, बात समझ में आ जाती है, हमने त्याग कर दिया, तो सदगुरु मिले बहुत सुख लीजिए, सदगुरु शब्द सुधारे। क्यों? सदगुरु शब्दों को सुधार करने का, जीवन सुधार करने का रास्ता बताते हैं। हमने गलत का त्याग कर अच्छा ग्रहण कर लिया, बहुत सुख की प्राप्ति हो गई। इसलिए हर व्यक्ति को आवश्यक है कि वो अपने लिए किसी एक योग्य गुरु का चुनाव करके उससे जुड़े, और जुड़ करके खाली जुड़ने के लिए नहीं, गुरु जो रास्ता बता रहे हैं, दया का, क्षमा का, प्रेम का, भक्ति का, सेवा का, संयम का, साधना का, उस रास्ते पर चलेंगे तो सब दुख खत्म हो जाएगा। और जब समझ लें जीवन में कोई दुख नहीं रह गया, मन में कोई दुख नहीं रह गया, तब हमारा भजन पूरा हो गया। और जब तक दुख है तब तक भी भजन अधूरा है। पूरा दुख में, मन का दुख, शरीर का दुख तो शरीर में रोग हो सकता है, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, कीड़े काटेंगे, ये सब तो हो सकता है, लेकिन भजन का अर्थ होता है मन की सारी पीड़ा का मिट जाना। अब भजन कैसे करना चाहिए, इसका रास्ता संत और गुरु ही बताते हैं। इसलिए संतों के पास हमें जाना होगा, जाकर के वो जो बताते हैं समझना होगा, समझ करके जीवन आचरण करना होगा, भजन पूरा हो जाएगा, और इसी जीवन में हम पूरा का पूरा मानसिक दुखों से मुक्त होकर के कल्याण का अनुभव कर सकते हैं। सदगुरु कबीर के एक पद के आधार पर थोड़ी चर्चा मैंने की, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।